सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। सिंह राशि के जातकों, राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, बात करेंगे 8 से 14 जुलाई 2022 सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, आने वाले सप्ताह में ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या रहेगी और उनका प्रभाव आपके नौकरी, व्यापार, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किन क्षेत्र में लाभ का योग बना रहे हैं और कहाँ अवसरों की आपको प्राप्ति हो सकती है, कहाँ सफलता का योग बन रहा है, किन विषय में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और साथ में आपको हम बताएंगे कि क्या उपाय आप इस अवधि में करें जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ग्रह नक्षत्र पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले। सिंह राशि वालों, बन रहा है शुभ संयोग आने वाले सप्ताह में, ग्रहों का विशेष संयोग बनने जा रहा है। सिंह राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगा। सिंह राशि वालों, गुरु पूर्णिमा और देवशायनी एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सिंह राशि के जातकों पर रहेगी। वहीं भगवान शिव का आशीर्वाद सिंह राशि वालों को सफलता प्रदान करेंगे। सिंह राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला सप्ताह रहने वाला है क्योंकि आने वाले सप्ताह में शुक्र और शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध, सूर्य और शुक्र की युति हो रही है मिथुन राशि में और शनिदेव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, जिसका प्रभाव सिंह राशि वालों के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा और उनके जीवन में जो विघ्न बाधाएं चल रही हैं उन्हें दूर करेगा। सिंह राशि वालों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। आने वाले सप्ताह में कई सारे परिवर्तन सिंह राशि वालों को देखने को मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों, आने वाले सप्ताह में आर्थिक लाभ का प्रबल योग बन रहा है। रुका हुआ धन आपको मिलने की संभावना, यदि आपने अपने किसी दोस्त को या किसी परिवारजन को यदि धन दिया है तो वह आपको वापस मिल सकता है। वहीं बुध का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी परेशानी रही होगी उसे वह समाप्त करेगी। संपत्ति से जुड़ा कोई अगर वाद विवाद चल रहा है तो वह भी आने वाले सप्ताह में सुलझ जाएगा। नौकरी करने वाले जातकों को आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी, वही व्यापारियों को लाभ होगा। फिजूल खर्ची से आपको सिंह राशि वालों इस अवधि में बचने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी क्योंकि आय के स्रोत बढ़ेंगे। वहीं अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। गृहस्थ जीवन में प्रेम और एकता बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। वहीं आपको अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार का वाद विवाद घर में उत्पन्न ना हो। और आने वाले सप्ताह में शुभ समाचार की प्राप्ति सिंह राशि वालों को हो सकती है। संतान से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। सिंह राशि वालों, आने वाले सप्ताह में क्रोध में आकर या फिर भावना में बहकर कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपको आने वाले समय में नुकसान दे। वहीं अगर आप धन निवेश करना चाहते हैं तो वह भी आप सावधानी के साथ करें, सोच समझ कर आप तभी धन निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें वाहन चलाते समय, थोड़ा सा सावधानी बरतें, खान पान पर विशेष ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हालांकि नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि विरोधी उस समय सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें जिससे आपको नुकसान हो। अगर आप व्यापारी हैं,
तो आपको लाभ का योग बन रहा है। पैसों के लेन देन करते समय आप सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों, धार्मिक कार्यक्रम में आपका धन खर्च हो सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, सफलता का योग बन रहा है। गृहस्थ जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा और संतान की उन्नति देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, योग का सहारा लें, व्यायाम करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। सिंह राशि वालों, आने वाले सप्ताह में आपके लिए भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्यशाली नंबर आपके लिए 1 और 2 है। सिंह राशि वालों, अगर हम करियर व्यापार की बात करें तो समय बहुत ही अनुकूल होगा। रुके हुए आपके जो भी कार्य हैं, जो भी अटके पड़े थे, वे आपके पूरे होंगे। सहकर्मियों का और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको आपके कार्यस्थल में मिलेगा और नए आपको नौकरी के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जो जातक नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें अच्छे नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। अब आइए हम आपको बता दें कि कौन सा महा उपाय आप आने वाले सप्ताह में करें, जिससे कि आपको लाभ हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन बढ़े। सिंह राशि वालों, हर मंगलवार के दिन आप बजरंगबली की पूजा जरूर करें और बजरंगबली के समक्ष धूप दीप जलाकर और लाल पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ाएं और चमेली के तेल में लाल चंदन मिलाकर उससे तिलक करें और साथ में हनुमान जी का आप पाठ करें, या तो बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके उपरांत आप हनुमान जी की आरती जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप केले के वृक्ष में करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप घर में ही भगवान विष्णु के समक्ष आप हल्दी से तिलक करें और भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और साथ में नैवेद्य के रूप में चने की दाल, गुड़ चढ़ाएं और तुलसी का पत्ता से भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आप आरती अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगा और प्रतिदिन आप स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को आप अर्घ जरूर दें और तांबे के लोटे में आप जल भरकर उसमें लाल पुष्प, यदि आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो केवल रोली डालकर ही आप उससे अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः का आप जाप करेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं वह समाप्त होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार अपने कमेंट समय लिखकर भेजेंगे और कमेंट में आप जय बजरंगबली जरूर लिखें, इससे आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।